सीपीआई नेता कन्हैया कुमार पहुंचे मुजफ्फरपुर, चमकी बुखार के पीड़ितों से की मुलाकात। बिहार में लगातार जारी है चमकी बुखार का कोहराम, अब तक 145 मासूमों की मौत। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से मरने वालों का आंकड़ा 127 पर पहुंचा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज दोपहर जाएंगे रांची, लालू प्रसाद यादव से करेंगे मुलाकात, लेकिन मुजफ्फरपुर जाने की नहीं मिली फुर्सत। चमकी बुखार के बाद भी नहीं सुधरी बिहार के अस्पतालों की हालत, दरभंगा मेडिकल कॉलेज की जर्जर इमारत में गंदगी का ढेर। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में नशे में धुत शख्स ने कार डिवाइडर पर चढ़ाई, चार लोगों को रौंदा, एक की मौत। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम के साउथ एशिया का है कंट्री मैनेजर। दिल्ली के महरौली में एक पिता ने अपने तीन बच्चों के साथ पत्नी की बेरहमी से की हत्या, पत्थर काटने वाली मशीन से पिता ने दो बच्चों और पत्नी को काटा, एक की गला दबाकर ली जान, हिरासत में आरोपी। गुरुग्राम में महिला कर्मचारी के साथ मारपीट, खेड़कदौली टोल प्लाजा पर मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, बोनियार इलाके में हुई मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मस्जिद में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बांदीपुरा के नास कॉलोनी की मस्जिद नूर की तीसरी मंजिल से उठी आग की ऊंची ऊंची लपटें। पुलवामा में मौसम का यू टर्न, बारिश के साथ शुरू हुए ओलों की बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पुलवामा में करीब 20 मिनट तक गोली की रफ्तार से गिरते रहे आसमान से गोले। गैंगटॉक से 100 किलोमीटर आगे लाचेन की घाटी में फंसे 500 टूरिस्ट, सेना ने किया रेस्क्यू। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से गिर गए पुल और पुलिया, 5 दिन तक नहीं मिला निकलने का रास्ता। हिमाचल के मंडी में सेना के ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, बच गई जान, फरार हो गया ट्रक ड्राइवर। राजस्थान के सीकर में कार में लगी आग, सुरक्षित निकल गए कार सवार। जालंधर के एक घर में छापेमारी, पानी की टंकी में छुपाकर रखी थी देसी शराब। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर बढ़ा बवाल, बीजेपी के 3 सदस्यों की कमेटी करेगी प्रभावित इलाकों का दौरा। एसएस अहलूवालिया कर रहे हैं टीम की अगुवाई, सत्यपाल सिंह और बीडी राम भी कमेटी के सदस्य। उत्तरी 24 परगना के भाटपारा में 2 गुटों में हुई थी हिंसक झड़प, 2 लोगों की गई थी जान। पाटापारा में कल मृतकों की अंतिम यात्रा में भी बवाल, धारा 144 के बावजूद बीजेपी सांसद के नेतृत्व में निकला जुलूस। जुलूस में पुलिस वालों के साथ अर्जुन सिंह की झड़प, कहा ममता के शह पर पुलिस कर रही है लोगों की हत्या। नर्मदा घटना को लेकर बेहद नाराज, घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त कार्रवाई के आदेश। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने किया घटनास्थल का दौरा, पुलिस के मुताबिक 11 घायलों में से 6 पुलिस वाले। गृह सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा कुछ बाहरी लोग लगातार उकसा रहे हैं हिंसा। टीएमसी के मुताबिक बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा नए लोगों और पुराने लोगों की लड़ाई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंचायत दफ्तर में लगाया ताला। दिल्ली में कुछ लोगों ने एक मौलाना से जय श्री राम बोलने को कहा, मना करने पर कार से मारी टक्कर। मौलाना के मुताबिक 20 जून की यह घटना, कार में सवार 3 लड़कों ने उन्हें रोका, कार की टक्कर से बेहोश हो गए थे मौलाना। घटना को लेकर बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थाने पहुंचे, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। गौहत्या के नाम पर मुरादाबाद पुलिस का फर्जीवाड़ा, दलित सतवीर को जहीर बताकर भेजा जेल। कोर्ट में पेशी के दौरान सतवीर ने एक वकील को सुनाई अपनी कहानी, घर में है बस लाचार बूढ़ी मां। शिवसेना ने सामना में राजयोग को ज्यादा जरूरी बताया, कहा इसके बिना चटाई बिछाकर सांस अंदर बाहर करने से कुछ नहीं होगा। शिवसेना ने कांग्रेस को दी शवासन की सलाह, लिखा राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी संसद में कर रहे थे मोबाइल योग। शिवसेना ने सीएम ममता को योग की सलाह दी, सामना में लिखा ममता दीदी का खून उबलता रहता है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सामना के संपादकीय में लिखा मोदी योगी की 18-18 घंटे कार्य क्षमता के पीछे योग, मोदी ने लोकप्रियता में ट्रंप और पुतिन को पछाड़ दिया। मुंबई के भाईवाड़ा 3 तलाक के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार,
दहेज उत्पीड़न के आरोप में 3 रिश्तेदार भी गिरफ्तार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रंजन गोगोई ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, मुकदमों के बढ़ते बोझ से निपटने के लिए जजों की संख्या का दिया सुझाव। सीजेआई रंजन गोगोई ने हाईकोर्ट के जजों के रिटायरमेंट 62 से 65 बढ़ाने को कहा, सेवानिवृत्त जजों को तय सीमा में नियुक्ति का भी सुझाव दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी हाईकोर्ट में करीब 44 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 58,700 मामले लंबित। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने गुलबर्गा में अपने गांव प्रवास कार्यक्रम को किया स्थगित। बिहार के छपरा में ट्रेन की सीट को लेकर झगड़े में एक की चाकू गोदकर हत्या। आज गोरखपुर और वाराणसी में सीएम योगी का व्यस्त कार्यक्रम, कई योजनाओं का लोकार्पण। अकोला में शिवसेना के पार्षद और कांग्रेस के पार्षदों ने किया बीजेपी महापौर का विरोध, अमृत योजना के अंतर्गत भ्रष्टाचार का आरोप। यूपी के सहकारिता राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी का वीडियो वायरल, योग शिविर के बाद मंच के नीचे जूते लेकर खड़ा था उनका अर्दली। यूपी के शाहजहांपुर में मंत्री लक्ष्मी नारायण भी वीआईपी कल्चर से बाहर नहीं निकल पाए, एक सरकारी कर्मचारी पहना रहा था जूते। यूपी के संभल में पिता ने किया सौतेली बेटी से बलात्कार, गांव वालों ने कलयुगी पिता की पीट पीट कर ली जान। अपराधियों पर सख्ती को लेकर सीएम योगी के आदेश का असर, लखनऊ में पुलिस अधिकारियों ने किया मार्च। रेल विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने दिखाई थी सख्ती, आंकड़ों से अपराध नियंत्रित नहीं होता, जनता का भरोसा जीतिया। बिजनौर में गांधीगिरी करती नजर आई पुलिस, लोगों के पास जाकर पूछा हाल। मेरठ में 24 घंटे के अंदर पुलिस की बदमाशों से दूसरी मुठभेड़, बाइक सवार बदमाश जख्मी। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। चेन्नई में पानी की किल्लत को लेकर बड़ी सियासत, डीएमके का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पानी की कमी से निपटने में नाकामी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार, 201 में से सिर्फ 5 जलाशयों की हालत सुधरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने कल बुलाई थी उच्च स्तरीय बैठक, संसद में भी उठा कावेरी मुद्दा। पानी की किल्लत का असर अम्मा बोतल पर भी, 10 रुपए में मिलने वाली बोतल बस स्टैंड से गायब। केरल सरकार ने ट्रेन से 20 लाख लीटर पानी भेजने का दिया प्रस्ताव, तमिलनाडु की तरफ से इनकार। यूपी के संभल में ट्यूबवेल के पानी में आया करंट, नहा रहे 4 बच्चों की दर्दनाक मौत। बिहार के खगड़िया में बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत, एक जख्मी। अहमदाबाद में महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में परिवार को परेशान करने वालों का लिखा नाम। झारखंड के बोकारो में ट्रक और ऑल्टो की टक्कर, 3 की मौत, एक घायल। नासिक में पुलिस वाले ने सर्विस रिवॉल्वर से 2 सौतेले बेटों का किया मर्डर, संपत्ति विवाद में दुश्मनी। मध्य प्रदेश के रीवा में सीमेंट मशीन में फंसने से इंजीनियर की मौत, जबरदस्त बवाल के बाद पत्नी को पेंशन देने पर राजी हुआ प्रबंधन। रामपुर में टेम्पो को कार ने मारी टक्कर, कॉलेज आ रही 12 लड़कियां जख्मी। आजमगढ़ के सदर तहसील में एक बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, जांच के आदेश। नोएडा में 3 लुटेरों का गिरोह पकड़ा गया, लूट के 100 मोबाइल बरामद। मुंबई में विशाखापट्टनम जहाज में आग, एक शख्स की मौत। मध्य प्रदेश के श्योपुर में झाड़ियों में मिली नवजात, जिला अस्पताल में कराई गई भर्ती। पुरुलिया स्टेशन के पास टाटा आसनसोल में ट्रेन के बीच घुसी 2 भैंसे, 2 घंटे तक रुकी रही ट्रेन। पटना में दिनदहाड़े ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट, 4 करोड़ के गहने लेकर फरार। नोएडा में सुपारी देकर पत्नी ने कराई पति की हत्या, पति और 5 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के पाली में टेक्सटाइल मिल वाले खुलेआम फेंक देते हैं तेजाबी पानी, 8 बच्चों के जल गए प्यार। यूपी के मऊ में सरेआम दबंगई, रिक्शे वाले के पैसे मांगने पर दिखाए रिवॉल्वर। राजस्थान के सीकर में फिल्म आर्टिकल 15 के विरोध में सड़क पर उतरी ब्राह्मण महासभा। तेलंगाना में हॉरर किलिंग का शिकार बना युवक, लड़की के रिश्तेदारों ने ली जान। बिहार के दरभंगा में जमीनी विवाद में खूनी जंग, एक परिवार के 4 लोगों की हत्या। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 1200 किलो गांजा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में मंदिर में लाइसेंसी पिस्टल की पूजा के बाद फायरिंग, 12 साल के बच्चे को लगी गोली। बिहार के सीतामढ़ी में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप, 7 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। यूपी के हरदोई में डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, 3 दोस्तों में से 1 की मौत, 2 घायल। इंदौर में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, पूरे इलाके में अफरा तफरी। लुधियाना में एक कपड़े की फैक्ट्री में आग, जलने के बाद ढह गई 3 मंजिला इमारत।
27 जून को लॉन्च होगी देश की पहली इंटरनेट एसयूवी हेक्टर। मोबाइल ऐप से कार स्टार्ट और स्टॉप होगा। 12,600 रुपए तक महंगी हुई मारुति डिजायर, सुरक्षा नियमों में बदलाव का असर। वॉलमार्ट पर अमेरिका में 1968 करोड़ रुपए का जुर्माना, भारत समेत कई देशों में भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई। हुआवे मामले पर भारत को चीन की सलाह, अमेरिका के दबाव में ना आकर खुद लें फैसला। चीन के बाद अमेरिका में कारोबार बढ़ाएगा ओयो, अगले कुछ सालों में 30 करोड़ डॉलर निवेश की योजना। फिटनेस टेस्ट में पास हुए ऑलराउंडर विजय शंकर, आज मैदान में उतरने की जताई उम्मीद। अफगानिस्तान के खिलाफ साउथहैम्पटन में है मुकाबला। साउथहैम्पटन में मौसम साफ, आज बारिश होने का पूर्वानुमान नहीं, दोपहर 3 बजे होगा मुकाबला। आज तक से खास बातचीत में बोले राशिद खान, भारत के खिलाफ लड़ा देंगे पूरी जान, एशिया कप में हमारा प्रदर्शन ना भूले हिंदुस्तान। टूर्नामेंट में भारतीय टीम का 5वां और अफगानिस्तान का 6ठा मुकाबला, अभी तक अजेय है भारत। आज का दूसरा मैच है मैनचेस्टर में न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार्क एस्पर को चुना नया रक्षा मंत्री। रिटायर्ड फौजी मार्क एस्पर इराक युद्ध में ले चुके हैं हिस्सा। फंडिंग पर पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की फटकार, पाकिस्तान में आतंकियों पर ठोस कार्रवाई के लिए अक्टूबर तक दी मोहलत। फिलाडेल्फिया में तेल रिफाइनरी में आग, आसपास के पूरे इलाके को कराया गया खाली। परमाणु सप्लाई करने वाले समूह यानी कि एनएसजी में भारत को शामिल करने की राह में चीन बना बाधा। जर्मनी में कोयले से बिजली बनाने वाली पावर कंपनियों का विरोध, ड्रिवन ब्रोइच में रोकी कोयले की सप्लाई। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।